Rahim, assalamu alaikum, ladies and gentlemen. A very warm welcome to you on behalf of the KLF team. I would like to make a housekeeping announcement before starting with the day. Please switch off your mobile phone or put them on mute before we start our session. We are about to begin the session and I would request all of you to kindly be seated. Our guests are already there. Yes, our session for the day is Rumi, Mystic and Poet. And Mr. Sayyid Noman Ul Haq is our moderator for the day. Mr. Haq is a historian noted specially for his contributions to the fields of Islamic history, Islamic philosophy and literature in Muslim societies. He's the general editor of OUP Studies in Islamic Philosophy series. He's a professor at the IPA, Karachi. Over to you, Mr. Haq. Can you hear me? Yes, बहुत बहुत शुक्रिया. और अभी मैंने शहनाज से पूछा कि गुफ्तगु उर्दू में की जाए. आवाज़ नहीं आ रही है, अब बेहतर है. जी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मैंने अभी शहनाज एजाजुद्दीन से पूछा कि ये कार्रवाई उर्दू में हो या अंग्रेज़ी में हो, तो उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि नहीं, उर्दू में ही होनी चाहिए. मगर ये भी कहा कि साथ साथ कुछ फ़ारसी की आमेज़िश बहुत ज़रूरी है. तो हम लोग उर्दू में ही गुफ्तगु करेंगे. मेरा काम आप लोग जानते हैं बहुत आसान हो गया है, क्योंकि ऐसे अच्छे लोग मेरे गिर्द हैं कि मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है. फहमीदा रियाज बहुत मुश्किलात से गुजरी, जिला वतनी भी देखी, लेकिन अब हमने शिनाख्त कर लिया है इनको और हम जानते हैं कि इनकी हैसियत क्या है और हमारी अदबी और सकाफ़ती ज़िंदगी में इनका क्या मकाम है. फहमीदा ने कई बरस पहले दीवान शमस तबरीज़ी की कुछ गज़लों का उर्दू में तर्जमा किया था और उस सिलसिले में भी एक रिश्ता मेरा इनसे है, इसलिए कि मैंने एक रिव्यू उस पर किया था डॉन में और उसके बाद जब उसका दूसरा एडिशन आया तो उसका मुकदमा मैंने लिखा था जो मुझे बेहद पसंद है. मैं उसके लिए वो गालिब का मिसरा अदा करता हूँ कि ये गज़ल अपनी मुझे जी से पसंद आई है आप. और जो ताल्लुक, जो मस, जो रिश्ता फहमीदा रियाज का रूमी से है, उसका अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा. उसका जो रस है रूमी का, वो फहमीदा के यहाँ मौजूद है. और ये ख़ुद एक अजीब सी बात कुछ लोगों के लिए है कि कहाँ फहमीदा रियाज और कहाँ रूमी, इनका जोड़ है क्या? और ये बहुत एक दिलचस्प सवाल है जिस पर मैंने गुफ्तगू भी की है. बारी मियाँ के बारे में हम सब सुनते हैं इधर उधर. वो हमारे शहर के दानिशवरों में से हैं, हज़रत मोहानी सोसाइटी के सदर भी हैं. और मुझे अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखने का मौका मिला, गालिब पर गुफ्तगू कर रहे थे बारी मियाँ, और उनके हाथ में वो किताब थी जो मैंने एडिट की है और इससे मुझे इंतहाई खुशी हुई कि मेरी किताब इनके हाथों में मौजूद है. बारी मियाँ बहुत बाज़ौक आदमी हैं, बहुत सोज़ौक आदमी हैं. अदब पर इनकी नज़र है, हमारी सकाफ़ती तारीख़ पर इनकी नज़र है और यहाँ मौजूद हैं. अमर सिंधु फ़लसफ़ी हैं और सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरूम में प्रोफेसर हैं और चेयरपर्सन हैं डिपार्टमेंट की फ़िलासफ़ी में. बहुत अच्छी शायरा हैं, अपने आप को सोशलिस्ट और एक्टिविस्ट कहती हैं, तो मैं आपको भी बता दूं. बहरहाल अब मेरे ख्याल में गुफ्तगू शुरू करनी चाहिए. मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा और ये मुनासिब भी नहीं कि मैं ज़्यादा बात करूं. दो तीन बातें जो मेरे जहन में हैं और मैं चाह रहा था कि एक जहत अगर तय हो जाए गुफ्तगू की तो उससे मुझे आसानी हो जाएगी. और इस सिलसिले में मैं चाहता हूँ कि फहमीदा रियाज पर तवज्जो करें. एक बात तो है मौलाना के यहाँ रिदम की, उनकी ख़ास बहरें,
और ख़ास तौर से दीवान शमसे तबरीज़ी में उनके यहाँ जो शिकस्ता बहरें आती हैं, यानी एक मिसरे में दो मिसरे और बाज़ दफ़ा अंदरूनी काफ़िया भी होते हैं, शाह जिस्म जौन माँ ख़ानदान कुन दंदौन माँ मसलन, और उससे होता यह है कि उसके चूँकि इन दो मिसरों के दरमियान एक सख्ता आता है, लिहाजा उसमें एक रक़्स की कैफियत पैदा होती है। मौलाना के यहाँ ये बात बहुत बहुत दिलचस्प है कि उनके यहाँ एक हरकी डायनामिक पहलू है। अच्छा, एक बात तो ये उनकी बहरों के सिलसिले में और उनकी रिदम के सिलसिले में, उनके आहंग के सिलसिले में, दूसरी बात उनकी इमेजरी की है, जो उनके यहाँ तखयुलात तसव्वुरात इस्तियारे आते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत ही पेश पाफ्तादा बिल्कुल सामने की चीज़ें, जैसे कि पानी में मटर उबल रहे हैं, उससे फिर वो यानी ज़िंदगी की मामूला हकायक, आम हकायक, और उन हकायक से फिर वो आफाकी मफहूम पैदा करते हैं, और बहुत उनके यहाँ है ऐसी चीज़ जिससे हम सबको मस है, बावर्ची खाना और जानवर और दूध और खाना और ज़राअत। और तीसरी चीज़ यह है कि जो रिवायतें थीं अदब में और दीनी रिवायात में, उसको उन्होंने एक नई एक कायनाती शक्ल दी, उसको एक उसका उसका ट्रीटमेंट, उसका मिस्टिकल ट्रीटमेंट जो उन्होंने किया है, वो भी एक 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 बहुत ही अहम बात है। और एक चीज़ उनके यहाँ स्टाइल है कि वो गुफ्तगू करते हैं, क्या तुमको मालूम है कल रात क्या हुआ, कल रात वो पड़ोसी के यहाँ से यूँ आवाज़ आई, तो उससे क़ुर्ब महसूस होता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिससे हम एक जहद मुकर्रर कर सकते हैं गुफ्तगू की। बहरहाल फहमीदा, आपको अगर मैंने छेड़ दिया, मैं आपको छेड़ना ही चाहता हूँ, गुफ्तगू तो आपको करनी है, बताइए। अच्छा, देखिए, आपने मुख्तलिफ मौजूआत पर यानी मुख्तलिफ जिहाद जो कि रूमी की हैं उन पर बात की। रूमी एक बहुत ही अच्छे शायर थे और एक जैयद सूफ़ी भी थे, यानी दोनों चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई हैं। और उस पर तो सूफीज़म की जो ट्रेडिशन उनसे पहले भी चलती आ रही थी उसी के तसलसल में है, लेकिन इसका एक कल्मिनेशन पॉइंट आप कह सकते हैं कि रूमी के यहाँ पहुँच गया, और मगर वो इस कंटिन्यूटी में। अब मैं आपको बारी मियाँ साहब के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि हम क्यों इनमें दिलचस्पी रखते हैं रूमी के बारे में बात करने के लिए। ये इनका ताल्लुक फरंगी महल खानवादे से है, जो कि ये एक कदीम उलमा का खानवादा इस बर्रे सगीर में है, और ये फरंगी महल लखनऊ से इनका ताल्लुक है। ये फरंगी महल वहाँ पर लखनऊ में मौजूद है, और ये औरंगज़ेब के ज़माने में इनके अजदाद को दिया गया था। तो ये जो फरंगी महली हैं, ये तसव्वुफ़ के पैरोकार थे, और इब्ने अरबी खुसूसन इनके लिए बहुत अहमियत रखता था, और इब्ने अरबी तकरीबन रूमी के कंटेम्प्ररी थे, तकरीबन उनसे कुछ चंद बरस सीनियर होंगे। लेकिन जहाँ रूमी जाकर रहे, यानी कि कुनिया जो कि पाए तख्त था सलजूकी एम्पायर का, वहाँ पर रूमी और उनके वाले साहब के वहाँ जाने से कुछ पहले ये भी थे उस दरबार से मुंसलिक, और इनकी गुफ्तगू थी। फिर ये अलेप्पो यानी हलब चले गए रूमी, फिर ये कहा जाता है कि जब रूमी हलब गए पढ़ने के लिए तो वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई थी, और इब्ने अरबी का एक असर जो है वो रूमी पर भी मौजूद रहा। बहरहाल बात तो वो एक ही कहते थे। तो अब ये है कि आपको रूमी के बारे में क्या बताया जाए और क्या आप दिलचस्पी लेके देखिए, इनका सूफियों का इब्तिदा से ही जो के कंसर्न था वो था ये कायनात, ये प्लेनेट
हमारा कुर्रे अर्ज और इसमें इंसान की जात और खालिक़े कायनात, यानी ये इतना बड़ा, इस कदर, इसका वसी व अरीज़ जिसकी कोई हद नहीं हो, इसके जो दायरा इसको डिफाइन करता है वो मुतहर्रिक है, वो एक्सपेंड करता चला जाता है। तो ये इस सिलसिले के एक शख्स थे और ये तहरीक जो है इसका ताल्लुक इन्हीं चीज़ों से है। मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस, ये इसकी कोर है, कोर पॉइंट जो है वो है द मिस्ट्री, मिस्टीक जो इस एग्जिस्टेंस की है, इंसान जात की है, इंसान के दुख सुख हंसी रोने, इन गुस्सा मोहब्बत, इन चीज़ों से कंसर्न है इनका, इसकी ये इसकी कोर है। लेकिन इसके चारों अतराफ जो फैलते हुए दायरे हैं वो जो है वो बाकी की तो जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं और जानदार चीज़ें हैं। तो अब मैं अमर सिंधु से आप चाहूँगी कि वो आपको बात करें। देखिए, सूफिया की थिंकिंग, और थिंकिंग अकेली नहीं होती, ये सूफिया ने कहा, थिंकिंग अकेली नहीं होती है, एहसास, जज्बा, ये सब कुछ आपस में गूंधी हुई हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि थिंकिंग को निकाल दिया गया, रैशनैलिटी को, ये एक गलत ख्याल है कि रैशनैलिटी को रिजेक्ट किया, ऐसा नहीं है। कई मर्तबा उन्होंने कहा है कि रैशनैलिटी के ज़रिए ही हम अपने एहसासात को भी, महसूसात को खोल सकते हैं। तो ये कंटिन्यू हुआ। तो हमारे सिंध में एक जो बहुत अजीम शायर और सूफ़ी, बिल्कुल रूमी की तरह से, इनकी शेर भी क्या लाजवाब, शेरियत उसमें कितनी है, नगमगी कितनी है, और साथ साथ सूफ़ी ख्यालात, तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, उन पर तो रूमी का असर तो हर एक पर रहा उसके बाद, क्योंकि शाह लतीफ़ पर खुसूसन बहुत ज़्यादा था। और वो उनके लिए कहा जाता है कि दो चीज़ें साथ रखते थे, कुरान शरीफ साथ रखते थे और मौलाना रूमी का कलाम उनके साथ रहता था। तो उस ज़माने के उनके ख्यालात जो कुछ भी थे, जो उनकी इंटरप्रिटेशन थी। तो फिर मैं एक और नुक्ता बयान करूँगी आपको तौहीद का, जो कि मैं समझ पाई हूँ, जो कि सूफीज़म के तहत है। तो आपको मैं कहूँगी कि अमर, आप मुझे बताएं कुछ रूमी और शाह लतीफ़ भिटाई के रिलेशनशिप में। जी, आपसे उन्होंने कहा। बहुत शुक्रिया फहमिदा जी। रूमी के हवाले से अगर थोड़ी सी बात की जाए, जैसा कि आपने भी कहा और नुमान साहब ने भी कहा कि रूमी के बाद जो अक़लियत का सिलसिला था, या आप उसको कह सकते हैं कि जिसको फिर रूमी एक एहसासाती जज्बे में तब्दील करके उसको उससे मिलाता है, तो ये उसके बाद आने वाला है। तकरीबन जो भी सूफ़ी शोरा रहे हैं उन पे रूमी का असर देखा जा सकता है। सिंध के अंदर शाह लतीफ़ के हवाले से एक रिवायत ये थी कि शाह लतीफ़ अनपढ़ थे या उन्नी थे, लेकिन जब देखें कि उनके पास रूमी और कुरान मजीद दोनों एक साथ मौजूद थे, तो उसके हवाले से ये नहीं कहा जा सकता कि वो उम्मीद है। फिर उनकी शायरी पर जो असर देखते हैं हम, उसको हम इससे निकाल नहीं सकते, जो फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद का रूमी के यहाँ मिलता है। लेकिन वो फ़लसफ़ा इस हवाले से मैं ज़रूर कहूँगी कि मुख्तलिफ है, जो उससे पहले, रूमी से पहले जो हमारे पास रिवायत रही है। मिसाल के तौर पर अगर वहदतुल वजूद को बयान किया जाए तो ये वजूद के बारे में है, और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वजूद वो इंसानी वजूद, खालिक़े कायनात का वजूद और ख़ुद इस मादे का वजूद। तो इस तिकून से जो
एक बनता है एक इल्म का और एहसास का जो 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 जिसको आप कह सकते हैं कि मिलाप बनता है, जो इनका वसल होता है, जो इनकी यूनियनशिप है, वही इसेंस है बरसगीर के। बाकी भी जो शोरा हैं उनमें भी आपको मिलेगा और आपको शाह लतीफ़ के अंदर भी मिलेगा। थोड़ी मैं दूसरी बात एक ख़ास तौर पर रूमी के हवाले से कहना चाहूँगी कि रूमी 13वीं सदी के जिस दौर की पैदावार है उस दौर में अक्लियत और जो है जिसको कह सकते हैं कि इश्क के हवाले से या इंट्यूशन या विद के हवाले से एक बहस फलसफे के अंदर भी रही, लेकिन वो फाराबी किंडी और वहाँ तक आ जाएं तो उसके अंदर एक जो बहस चलती है इस हवाले से, फिर आप गजाली तक पहुँचते हैं तो गजाली उसको तब्दील करता है इंट्यूशन में, विजिद में, और उसको ज़रियाए जिसको कह सकते हैं कि ज़रियाए इल्म मानते हैं, और इल्म सिर्फ अक्लियत के साथ नहीं जोड़ते, इल्म को वो एहसासाती जज्बे के साथ जोड़ते हैं, और उस एहसासाती जज्बे के अंदर अगर आप आ जाएं तो फिर शायर के पास अपनी अलामात हैं जो कि उनसे वो बयान करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कह दे इल्म के हवाले से कह दे तो वो ख़ास से ख़ास को आम बनाता है। लेकिन नुमान साहब ने भी बात की रूमी के अंदर आए तो रूमी आम को ख़ास बनाता है, आम दुनिया को वो एक डिवाइन उस दर्जे पे लेके जाता है, वो एक इलाहियत के दर्जे पे लेके जाता है, आफाकियत के दर्जे पे लेके जाता है। उसकी अलामत कौन सी है? उसकी अलामत देखें तो वो बिल्कुल आम है, आम लोगों के इस्तेमाल की है। उसकी अलामत में शराब है, उसकी अलामत में प्याला है, उसकी अलामत में मदोशी है, उसकी अलामत में जज्बा हरारत है, उसकी अलामत में आतिश इश्क है, उसकी अलामात में एक मस्ती है, एक्सटेसी है। तो ये तमाम जो एक सिलसिला है मैं थोड़ी सी बात फिर मुख्तसर करूँगी कि बारी मियाँ साहब भी इस पर थोड़ी सी जो है नज़र डालेंगे, लेकिन नौमान अल्लाह ने जो मुकदमा लिखा है उसमें एक बात बड़ी जो है कही है कि रूमी की और फहमीदा की दोस्ती के बारे में जो है बहुत सारे लोग जो है हैरान होते होंगे कि फहमीदा अपने आप को मार्क्सिस्ट कहती हैं, वो अपने आप को मादियत परस्त कहती हैं, और उसका ताल्लुक इस रूहानियत से, इस स्पिरिचुअलिटी से कैसे बनता है? तो एक बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि वहदतुल वजूद वजूद का इल्म है, और वो वजूद जिसके लिए रूमी ने कहा था कि इवन उसने खुदा के लिए कहा था कि उसको आप मादे के ज़रिए पहचान सकते हैं, फिर उसने कहा कि मादे की बेहतर सूरत इंसान के ज़रिए पहचान सकते हैं, तीसरी बात उसने कही कि इंसान में भी आप औरत के ज़रिए पहचान सकते हैं कि औरत की क्रिएटिविटी के भी दो एस्पेक्ट होते हैं जबकि मर्द के लिए वो एक आधा एस्पेक्ट होता है। इसलिए अगर देखा जाए तो कहीं भी रूमी इस मादे से, इस मौजूद से, इस वजूद से जुदा नज़र नहीं आता, और यही जो सिलसिला है कि फिर रूमी सिर्फ इस्लामी दुनिया का नहीं, सिर्फ सूफी थाट का नहीं, वो फ़लसफ़े का भी मौजू बनता है। जैसा आपने भी कहा कि वो हेगल और उनके फ़लसफ़े में भी आपको उसकी मिलेंगी, और फिर आप देखेंगे कि उसने जो सफ़र किया है, उसकी जो शायरी ने सफ़र किया है, वो उसको लामेदूदियत तक लेके गई है, उसको अक्रॉस द ग्लोब लेके गई है, उसको अक्रॉस द कल्चर लेके गई है। और हमारी खुशनसीबी यह है कि सिंध की शनाख्त शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का सिलसिला भी रूमी के फिक्र और रूमी के जज्बे से जुड़ा हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आपने ज़िक्र किया मेरे मुकदमे का, और उसमें मैंने कोशिश की है कि मैं ये बात समझाऊं कि आखिर फहमीदा रियाज़ का रिश्ता रूमी से किस तरह बन गया।
तो उसमें कई बातें हैं। एक तो तारीखी बात है और वो ये है कि ये बात 19वीं सदी की है। ये मैं बहुत वजाहत के साथ अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि 1866 में इंतकाल हुआ रूकर्ट का, RUCKERT, रूकर्ट। रूकर्ट ने रूमी का तर्जमा किया जर्मन में और फिर कुछ गज़लें रूमी के अंदाज में जर्मन में कहीं। अच्छा, और उन्हीं के सिलसिले से फिर हेगल के यहाँ ये बात पहुँची। और हेगल ने बहुत अच्छा तस्करा किया है इंसाइक्लोपीडिया फ़िलासफ़ी में रूमी का, और फिर हेगल का जो असर कार्ल मार्क्स पर है उससे आप लोग वाकिफ़ हैं। तो एक धागा तो है वहाँ, एक तारीखी धागा तो है। तो एक बात तो ये मैंने कही थी, और दूसरी बात यह है कि मैंने ये बात भी कही थी कि शायरी तो एक उड़ान का नाम है, और जब उड़ान होती है तो वहाँ तो फिर ये सारे जुग्राफियाई मामलात ख़त्म हो जाते हैं, वो तो दुनिया और है। और वहाँ फहमीदा रियाज की मुलाकात रूमी से भी हो जाती है और वो उनकी हम रक्स हो जाती हैं, ये बात मैंने कही थी। अच्छा, बहरहाल बारी मियाँ से मुझे गुफ्तगू करनी है, और अभी अमर सिंधु ने ये कहा कि हमारा वजूद आधा है तो हम दोनों नसफ हैं, तो आधा मैं और आधे आप, तो हम दोनों मिलके मुकम्मल हो जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर मुमकिन हो सके तो रूमी की शेरियात पे कुछ गुफ्तगू कर दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, फहमीदा आपा ने और प्रोफेसर साहब ने जो मेरे बारे में गुफ्तगू की है उसका मैं मुस्तहक नहीं हूँ। जहाँ तक फंगी महल का ताल्लुक है, वो एक शेर पढ़ूंगा कि नस्बत जो ताल्लुक की थी उनसे वो रहेगी, तख़सीस का दावा न किया है न करेंगे। तो फंगी महल हमारा जो यहाँ जो सूफ रूमी और तसव्वुफ़ का जो मसलक था वो इश्क था कि अल्लाह ताला या वजूद हकीकी को पहुँचने के लिए इश्क ज़रूरी है, और अपने जो अल्लाह ताला आपका महबूब हकीकी है, और उसी पर सबसे ज़्यादा काम किया गया। जैसा कि बहुत से उनके जो मौलाना के अशार हैं जो इस तरफ लोगों को मायल करते हैं। अभी मेरी बात हो रही थी फहमीदा आपा से, अब जैसे बहुत सी चीज़ों में है मस्नवी में, और उसमें भी काफ़ी इलाकी अशार आ गए हैं प्रोफेसर साहब इसको, और एक बहुत मशहूर है जो मैं बात कर रहा था उसमें से एक शेर तो डेफिनेटली सादी का है, लेकिन आप देखेंगे कि ख्याल जो तसव्वुफ़ का है, जैसे आपने फरमाया हेगल उनसे लेके यहाँ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई बाबा भुल्ले शाह, बल्कि बाबा भुल्ले शाह का तो मालूम होता तर्जुमा है कि भुल्ले की जाना मैं कौन हूँ, जो मौलाना का है कि चेतत बीरी मुसलमाना के मन खुदरा नमीदानम, बिल्कुल एक उसका तर्जुमा है जी। तो हम जिक्र कर रहे थे कि मौलाना ने किस तरह से, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि रोज़मर्रा की चीज़ों से लोगों के दिलों में एक एक ख्याल, एक चीज़, एक जज्बा पैदा करने की कोशिश की है, और उसकी बहुत सी मिसालें हैं। एक तो है जैसे हिर्स के ऊपर है कि कूज़ है चश्मे हरीसा पुर नशुद ता सदफ काने नशुद पुरदुर नशुद, यानी जो हिर्स यानी नदीदे लोग हैं उनका प्याला कभी भरता नहीं है। जिस तरह से वो जो सीप होता है जब तक बंद ना हो उसमें मोती नहीं बनता है, तो ता सदफ काने नशुद पुरदुर नशुद, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। तो अभी फहमीदा आपा से बात हो रही थी, एक बहुत ही मशहूर है मौलाना की कि काबा बुनगाहे खलीले आज़रस्त, यस काबा बुनगाहे खलीले आज़रस्त दिल गुजरगाहे जलीले अकबरस्त, यानी कि काबा जो है वो हजरत इब्राहिम के वालिद जो बुत बनाने थे उनके, वो बुत बनाते उनके बेटे ने काबा बनाया पत्थरों से, लेकिन असल गुजरगाह अल्लाह ताला की जो है वो इंसान का दिल है। और फिर उसको दूसरे मिस्रे में उन्होंने कहा है कि हज रब्बुल हज जियारत करदने खाना बुअत हज रब्बुल बैत मर्दाना बुअत, यानी हज एक घर के एक खाना के की जियारत का नाम है आजकल, लेकिन अल्लाह के घर की जियारत करना एक बड़ी उसमें काविशों की ज़रूरत है।
और फिर इसमें हमारे ख्याल में सादी का एक शेर मिला दिया जाता है कि दिल बदस्तावर के हज्जे अकबरस्त, दिल बदस्तावर के हज्जे अकबरस्त, हजारा काबा एक दिल बेतरस्त। किसी का दिल मोलो, किसी के गम में खुशी पहुंचाओ, किसी की मदद करो, सबसे बड़ा हज ये है। हजार काबों से ज्यादा एक इंसान का दिल है जो उसको, वो असल में वो दिल ही एक चीज है जिससे आदमी अपने असल तक पहुंच सकता है। और इसके लिए सबसे आसान, और अगर आपको इसमें मजहबी वो देखें कि जो पढ़ते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम उसकी तरफ से हैं, उसी की तरफ वापस लौटेंगे। और इसी को मौलाना ने भी वही कहा है कि हर कसे दूर मानदस असल खेश, रोज बाज जोयद रोजगारे वसल खेश। जो आदमी जो चीज भी अपनी असल से दूर है, कोशिश उसकी यही होती है कि वापस उस तक पहुंच जाए। और इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज यही है कि वजूद हकीकी यानी वजूदुल वजूद में इंसान जाके जम हो जाए, असल जिंदगी यही है। क्यों प्रोफेसर साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आप देखिए कि वो मटर के कुछ दाने उबल रहे हैं पानी में, और बानुए खाना खड़ी हुई है, चंद दाने उछल के बाहर आने की कोशिश करते हैं और वो उसको रोकती है, कफगीर से उसको रोकती है। अब यहाँ देखिए, बिल्कुल आम तजर्बा है ये जो हम सब लोगों के साथ होता है, लेकिन उससे जो मफहूम पैदा किया है रूमी ने कि इश्क की तपिश से हम भागते हैं ना, उसकी जो आजमाइशें होती हैं उससे परेशान होते हैं, और उसमें ही रहना चाहिए, उसी से तो वो फूल बनता है, उसी से तो कुंदन बनता है ना, वो सोना। तो ये बहुत मामूली सी बात है, इतनी खूबसूरती से बयान किया है। ये ख्याल रहे कि सारी रिवायत इस्लामी तमद्दुन की मसनवी में मौजूद है, यानी उसमें हदीसें हैं जिनकी तफसीर है, कुरान करीम की आयात हैं जिनकी तफसीर है, हल्लाज जगह जगह हैं। अब ये जो बहुत मशहूर बात है कि मैं पहले खाक था और फिर मैं दाना बना, दाने से मैं जानवर बना, जानवर से मैं इंसान बना, इसमें आखिर में उन्होंने हल्लाज को नकल किया है, उक्तुलुनी या फ़िकाती फ़ैन कत्ली हयाती, मुझे मार दो मेरे दोस्तों कि मेरी मौत में ही मेरी ज़िंदगी है, उक्तुलुनी या फ़िकाती फ़ैन कत्ली हयाती, उसमें हयात है। अच्छा, मुझे इस वक्त देखिए गंभीर गुफ्तगू का ये मौका नहीं है, ये फ़लसफियाना गुफ्तगू की जा और वहदतुल वजूद वगैरह बहुत भारी भारी इस्तलाहात हैं, ये इसका मौका नहीं। फहमीदा रियाज ने इतना खूबसूरत तर्जमा किया है रूमी का, और जो बात मैंने शुरू में कही कि रूमी के यहाँ एक कैफियत रक्स की है, उनकी बहरों में भी है, एक रक्स की कैफियत है, और उसको जू का तू रहने दिया फहमीदा रियाज ने अपने तराजी में, ये बहुत बड़ा काम किया। अब इकबाल ने एक पूरी गज़ल जावेद नामा में नकल की है ना, यक दस्त जौ में बादे हो, यक दस्त जुल्फ़े यार रक्से चुनी मियाँ नए मैदान मार जूस्त। अब ये हिम्मत और ये जलाल और ये शिको, ये फहमीदा रियाज के यहाँ मौजूद है। अब ये जिस गज़ल की मैंने बात की थी कि ए शाह जिस्म जान माँ खानदान कुन दंदौन माँ, पूरी बहर वैसी के वैसी फहमीदा के यहाँ मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि जो अमल था तर्जमे का, इस अमल में क्या कैफियत हुई, और कुछ उसको सुना भी दें हमको। देखिए, ये जो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जैसे वहदत मोहिद तौहीद, तो जो रूमी के यहाँ तौहीद है, तो हम तो तौहीद से मतलब यही समझते हैं कि एक अल्लाह, मगर रूमी के यहाँ तौहीद है एक होना इंसान का दूसरे इंसानों से, तमाम मज़ाहिब की तौहीद, ये एक इंतहाई अहम उसका पॉइंट था। फिर इंसान की जो मटेरियल दुनिया है उसके साथ तौहीद, फिर मादे की ख्याल के साथ तौहीद, तो ये इस तरह से चलता है। उसमें
ये जो ख्याल है यानी मौसीकी, मौसीकी की मिस्ट्री क्या है, वो वहाँ तक पहुँचते हैं। ये है क्या भाई, आपने मुंह से आवाज़ निकाली, हवा में लहरें पैदा हुई, आपके कान के पर्दे से टकराई, दिमाग तक गई, लेकिन इससे आपके अंदर क्या तब्दीलियाँ कैसे आ गई, खुश हो गए, उदास हो गए, ये कैसे हो गया? ये एक मिस्ट्री है जो कि उन्होंने देखी। और रक्स को भी उसी के साथ है कि हर चीज़ रक्स में है, घूम रही है, कायनात पूरी ज़मीन घूम रही। तो ये दोनों चीज़ें मिला कर उनकी शायरी भी बनी। अब यकीन करें, इस तरह से सूफियों ने मौसीकी को खुद इस्लाम के अंदर एक यानी मुसलमानों में एक बड़ा अच्छा मुकाम दिया। तो अब ये है कि इनके जो ख्यालात थे और जिस तरह ये कह रहे थे, इन दोनों चीज़ों का मेरे हाथ में जो आया वो इनका दीवान शम्स तबरीज़, तो उसका बिल्कुल एक जादुई असर था। और ये ग़ज़लियात जो थीं ये लिखी ही गई थीं गाने के लिए और रक्स करने के लिए। मौलाना जब बाद में मैंने पढ़ा तो एक सुतून के गिर्द कोई कपड़ा डालकर और पकड़ के घूमते रहते थे और बोलते रहते थे, और उनके कुछ शागिर्द वो लिखते रहते थे और बाद में उन्हीं पर वो गाए जाते थे और उन पर वो रक्स करते थे। उन पर ये रक्स के लिए ही बनी थी। तो जब मैंने इन्हें पढ़ा तो रक्स तो खैर दी, मगर सच्ची बात है कि मैं तो गुनगुनाने लगी, टू द एक्सटेंट कि अब मुझसे बगैर मैं कभी तरन्नुम से नहीं पढ़ती थी। मैं तो तरन्नुम को अच्छा समझते ही नहीं थे कि ये शोरा तो बस ऐसे ही तरन्नुम में निकलवा अपनी शायरी की, कह कुछ नहीं रहे, दाद यूं ही ले रहे हैं। लेकिन तो ये ख्याल था, लेकिन ये कि इसको तो मैं जब तक तरन्नुम से न पढ़ूं तो मैं कुछ लगती नहीं, यानी मतलब मुझे नहीं लगता कि ये मैं इनको पढ़ सकती हूँ। मैं आपको तरन्नुम से सुनाऊंगी, वो तरन्नुम हर वक्त नहीं होता, कभी कभी एक हारमनी होती है, इनर हारमनी आपकी अगर वो मौजूद है तो फिर आप उसको वैसे पढ़ सकते हैं। और उनके अल्फाज अभी पिछले दिनों इसी इससे पहले ज़रा ज़ोरा निगाह साहिबा ने तरन्नुम के बारे में एक बड़ी प्यारी चीज़ कही, और वो ये कि तरन्नुम से शायरी के अल्फाज ज़्यादा वाज़ह होते हैं। ये बात ऐसी थी जो कि बिल्कुल इट स्ट्रक मी एज समथिंग वेरी रिवीलिंग कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन तरन्नुम जो है वो गाने से एक कदम, राग से एक कदम पीछे और तहतुल लफ्ज से एक कदम आगे, एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब को मानी को ज़्यादा वाजा कर देता है। तो अब अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको सुनाऊँ, वो सुना दीजिए। बिस्मिल्लाह। इमरूज दीदम यार आन रौनक हर कार। तुम्हारे पास ये अच्छा देखें हकीकत, क्योंकि वो मज़ाहिब की यकताई में बिलीव करते थे। बिलीव क्या है, यानी कि यही उन यही सूफीज़म है। तो ख़ुद हिंदुस्तान में इस सरज़मीन पर जो ख्यालात और जो स्पिरिचुअलिटी पैदा हुई, बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म के वेद वगैरह के जो, वो सारे के सारे इसमें मौजूद हैं, आपको मिल जाएंगे। तो अच्छा, इसमें एक लफ्ज़ आता है रवाने मुस्तफ़ा। अब रूह आदमी के अंदर है क्या, एक है रूह एक रवान भी है। आदमी के अंदर या जो तकदीस की सूरतें हैं उसको कई तरह से देखा गया है।
तो जैसे कि एक वाहिद, मगर जैसे हम जानते हैं ईसाइयत में एक रूहुल कुद्स जो है ना, द होली घोस्ट, ये भी मौजूद है। गालिबन रवान ये हो, लेकिन रवान जो है वो रूह नहीं है। अब हमारे पास जो है वो रूह है रवान हम कहने लगे, जिसका मतलब हमने समझा कि वो रूह जो के हरकत में है, ऐसा नहीं था। ये था रूह व रवान, यानी कि आपकी रूह और वो जो के शायद द होली गोस्ट रूहुल कुद्स जो है ये इसमें आएगी। देखा है मैंने यार को सुरोन के पुरकार को, यूं आसमां पर थारमा जैसे रवाने मुस्तफा। इमरोज दीदम यार रा रौनक पुरकार रा, मी शुद रवा बर आसमा हम चू रवाने मुस्तफा। खुर्शीद अज रूएश खजल गर्दू ने मुशबक हम चू दिल, अस्ताब शे आब गिल अफजू जियातिश दर्जया। खुशीद है उससे खजिल दिल की तरह है आसमां उसका सीर, और आब गिल की है गजा उसकी जिया। गुफ्तम के बन मान दुमाता बर्रवम बर आसमां, गुफ्ता सरे तो निर्दमा सर्रा दरावर जीरिपा। मैंने कहा जीना दिखा पहुँचूँ फलक तक किस तरह, उसने कहा जीना है सर इस सर को लिया जीरिपा। रखेगा जब सर पर कदम बिछ जाएंगे तारे वहीं, चलने लगेगा बाद पर तोड़ेगा तू जिस दम हवा। तो देखिए ये जो है ना, अब आप अगर आप योगा से वाकिफ हैं, ये योगा का आसन भी है, सिंहासन, सर को निचर करते हैं। ये योगा का आसन जो है वो स्पिरिचुअलिटी का एक मटेरियल इजहार भी है, तो यहाँ पर ये भी है। लेकिन हवा, हवा तो हिरसो हवा, वो हवा का मतलब हवस भी है, तोड़ेगा तू जिस दम हवा, तो ये दोनों मतलब अपनी जगह मौजूद हैं और एक दूसरे की ही दो शक्लें हैं। हे आसमां और बाद में तेरे लिए सौ रास्ते, सुए फलक उड़ता है तू हर सुबह दम जैसे हवा जैसे दुआ। ये क्या खूबसूरत, इसकी ये शेरियत है कि तू सुबह दम उड़ता है फलक की तरफ जैसे दुआ उड़ती है। बर आसमा व बर हवा सदरे पदीदायद तुरा, बर आसमा पर मी शवि हर सुबह दम हम चू दुआ। ये इनकी थी। उनके बारे में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि दीवाने शम्स तबरीज़ की गज़लें इन्होंने पहले लिखी, यानी इब्तिदा इनकी पहले हुई। शम्स तबरीज़ से इनको इश्क था और शम्स तबरीज़ इन्हें छोड़कर चले गए थे, तो उनके एक दफ़ा वापस आ गए, फिर जो गए तो वो कभी नहीं मिले। बाज़ लोग कहते हैं उनको कत्ल कर दिया गया, बाज़ कहते हैं नहीं कत्ल किया गया। मेरा अपना जाती मेरी ये है रिसर्च कि इनको कत्ल नहीं किया गया था, ये चले गए थे वहाँ से। और इनकी एक और मज़ार एक कुनिया में है, एक और मज़ार इनकी तबरीज़ के पास खुई नाम की जगह है ईरान में, वहाँ पर भी मौजूद है, एंड प्रॉबली वही सही उनकी मज़ार है। तो फिर उनकी याद में इन्होंने मसनवी लिखी, मसनवी बाद में लिखी गई
और जो इनकी डिस्कशंस थे उसके बारे में, उनसे जो नतायज जिन पर ये पहुँचे थे तो उनके बारे में मसनवी है। मगर साथ साथ दीवाने शम्स तबरीज़ की गज़लों ने भी कंटिन्यू किया। तो इस तरह से इनके ये दो बहुत ज़खीम के 35,000-40,000 के करीब रुबाइयात और गज़लें इनकी हैं, और मसनवी की 6 जिल्दें इतनी ज़खीम हैं जो कि हम दुनिया को दे के गए। तो अब बारी साहब आप कुछ बताएंगे उसी पे कहेंगे। आप मसनवी में जो इश्क उनका शाद बाज है, इश्क खुद सौदाए माँ, ए तबीबे जुमला इल्लत आए माँ, ए दवाए नखवतो नामू से माँ, ए तू अफलातून जालीनू सुमा, कि यानी कि हमारा इश्क जो है वो हम शाद और आबाद रहे। ए तबीबे जुमला इल्लत आए माँ, हमारी तमाम बुराइयों इल्लतें बीमारियों के आप तबीब हैं, डॉक्टर हैं। और उसके बाद कहते हैं कि जैसे आप हमारे अफलातून और जालीनूस हैं, तुम्हारे हमारी तमाम बीमारियों की दवा हैं। तो जैसा आपने कहा कि इश्क जो उनका था हज़रत शम्स तबरेज़ से, उसमें मसनवी उन्होंने कई, बल्कि एक चीज़ है कि मसनवी में करीब 68 या 70 कुरानी सूरतों से उन्होंने फ़ायदा उठाया है। जी जी, पूरी मसनवी में जी। और उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि जो अपनी उनकी मसलब के शरा थी उसके ख़िलाफ़ कोई बात मसनवी में ना हो, लेकिन दीवान में उन्होंने अपने आप को बिल्कुल आज़ाद कर दिया है, और जो दिल में आया कहा और सच्चे दिल से कहा। और कोशिश उनकी वही थी कि आखिर में अपने महबूब हकीकी से जा मिलें। जी शाद बाश सौदाए माँ, आपने मेरे सवाल का गोया जवाब दे ही दिया है। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि ये जो 40,000 के करीब अशार हैं दीवान में और 25,000 के करीब अशार हैं मसनवी में, और मसनवी जैसे है उसमें एक बहर को निभाना इतनी तवालत के साथ, और उसमें रिवायात को समो देना और कुरानी तफासीर को समो देना, ये बहुत बड़ा एक शेरी कमाल है ना। इल्हामी जी, तो मैं चाहे ज़रा सा कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू 2-3 मिनट्स पे कर दीजिए आप। जी जी, देखिए मौलाना का जो जैसे आपने कहा कि एक जो एक रिदम जो मसनवी में भी है उसमें उस वो हमारे ख्याल में वो कोशिश से नहीं होता है, वो मौलाना के पास जैसे मैंने कहा इल्हामी थी, और जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से ये रवायत है कि मसनवी के जो पहले 18 अशार उन्होंने कहे वो बिल्कुल एक वज्द की हालत में, और वो बिश्नु अज नशु हिकायत में कुनत वज जुदाई या शिकायत में कुनत, तो हमारे ख्याल में ये जो उनकी ये जो रिदम और ये चीज़ है ये इल्हामी है, ये उनकी कोशिश नहीं थी, ये उनके ऊपर नाजिल हुआ था। तो मेरा ख्याल यही है कि ये चीज़ें कोशिश से नहीं आती हैं, दिल में होती हैं। जी जी जी, मुझे इशारा किया गया है कि अब सवाल जवाब शुरू किया जाए, तो अब आप लोगों के हवाले ये गुफ्तगु, हम लोग यहाँ मौजूद हैं। सवाल कोई सवाल कहीं से नहीं है, उधर देखिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, उसको ऑन कर दीजिए जरा। जी अब ठीक है, अब ठीक है। इट वाज अ प्लेजर लिसनिंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे इतना आवाज अभी नहीं आ रही है। मुझे इतना रूमी के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म तो नहीं है, लेकिन एक किताब अलिफ शफ़क की 40 रूल्स ऑफ लव से मुझे थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ। मुझे ये सिर्फ पूछना था आप लोगों से कि रूमी की शायरी में शम्स तबरेज़ के आने से पहले और आने के बाद क्या फ़र्क आया था? हमेशा से वो शायरी करते थे या नहीं? हमेशा से मौलवी शायरी नहीं करते थे, और ये जो पहली उनकी गज़ल मानी जाती है वो तो तब है जब के शम्स तबरीज़ उन जो उनके पास रहने लगे थे कुनिया में,
उन्हें छोड़कर चले गए थे, नाराज़ हो गए थे, लोगों से नाराज़ हो गए थे. तो पीपल बिकेम वेरी जेलस कि ये इतना टाइम क्यों. तो तब इन्होंने जो एक गज़ल लिखी वो उन्हीं के लिए, और तुम वापस आ जाओ, ये था उसका मतलब. तो वहाँ से इनकी शायरी का आगाज़ होता है. रूमी को शायर उनके इश्क ने बनाया, यही सच है कि इश्क ही आदमी से शायरी करवाता है. उससे बड़ा गहरा ताल्लुक. उससे पहले वो मौलवी थे, बहुत ही ड्राई जी, और उसके बाद जब शब्द से तबरेजी से ताल्लुक हुआ तो उस वक्त वो मौलाना बने बकौल अपने खुद के ता गुलाम शम्स तबरेज़ी नसर. जी जी जी. मेरा सवाल सजेशन और सवाल, जरा करीब कर लीजिए माइक. सजेशन और सवाल भी है. मौलाना रूमी खुद फरमाते हैं, ये जस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन, आई एम अ सर्वेंट ऑफ द कुरान एज लॉन्ग एज आई लिव. I'm the dust on the path of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the chosen one. Sorry. If anyone quotes anything except him from my sayings, I'm quit of him and outraged by these words. Ye unka, this is what is his message. Jee. But ye kyun itna distort ho gaya hai ki Rasool sallallahu alaihi wasallam ko unke usme se itni importance nahi di, kyunki masnavi to har शेर उनका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत. और वेस्ट में जो डिस्टॉर्शन है कि बस ह्यूमैनिटी, बस दैट इज़ द मेन फोकस ऑन हिज टीचिंग्स. आप क्या ह्यूमैनिटी को रसूल अल्लाह के खिलाफ समझती हैं? नहीं बिल्कुल नहीं. मगर मैं तो ये हिज टीचिंग्स सैंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम टीचिंग्स आर nothing to stand on. नहीं मैं ये समझता हूँ रसूलल्लाह की. देखिए जो रसूलल्लाह ने बातें कही थी वो भी शायद ही ह्यूमैनिटी के मुताबिक ही हो. यही तो उन्होंने समझा था, ये नहीं समझा था उन्होंने कि सर काटो और गर्दा हाथ काटो, यही सब कुछ नहीं समझा. जो आप कह रही हैं, मैं जो आप कह रही हैं डिस्टॉर्शन, वो डिस्टॉर्शन हमारे उसके अंडरस्टैंडिंग में है. मौलाना जो कहना कह रहे हैं उसकी तमाम सरचश्मा और रास्ता, हम जो शब्द तबरेज या किसी और पीर को मानते हैं वो उनको वसीला समझते हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ. तो रास्ता तो वही है, हमें गाइड लोकल ढूंढना है. हम किसी के पास जाते हैं इल्म के लिए, जैसे प्रोफेसर साहब के पास जाएँ जिस सब्जेक्ट में ये कामिल हैं. इसीलिए शम्स तबरेज़ तो इश्क, ये सब चीज़ें, इन तमाम का रुख ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. चूँकि वो ये समझते थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक कायनात हैं, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो अपनी इंसानी चीज़ें हैं. वो भी इंसान थे, उन्होंने भी बहुत गलतियाँ की होंगी और जैसे हम सब करते हैं. लेकिन ये गलत ख्याल है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ गलत, लेकिन लोगों का, कि वो इससे बिल्कुल अलग थे. ये बिल्कुल सही नहीं. अगर अलग होते तो मसनवी में ये जैसे मैंने कहा 68 या 70 सूरतों को कोट ना करते. देखिए एक वेस्ट को तो वेस्ट को तो हम गुमराह समझते हैं, तो उनसे कोई तवक्को ना करना चाहिए. नहीं देखिए ये बात अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कुरान एंड ऑफ द प्रॉफिट, इसके दो स्कूल्स हैं काफ़ी अरसे से. एक है शरीयत, दूसरा तरीक़त है. और तरीक़त का एक मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन है. रसूलल्लाह क्या थे तरीक़त के लिहाज से इन्होंने देखा है, एक शरई या मुल्ला के लिहाज से नहीं देखा है. अगर आप पूरी शायरी, खैर अरबी मुझे नहीं आती, मुझे अरबी का पता नहीं, फ़ारसी आती, फ़ारसी शायरी जो इस्लाम के बाद की है और उर्दू पूरी लें, आपको शरीयत के एक मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन करने वाले मुल्ला की जूताकारी मिलेगी हर जगह. और ये हमारी एक रिवायत है जो तरीक़त की है, जो कि खुद हमारे आ हज़रत कैसे थे, उनके कौल उनके फेल का मतलब क्या था, दो लोग दो अलग तरह समझते हैं. मेरे ख्याल में इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपने जो बात कही वो हमने तस्लीम कर ली है. बिल्कुल रसूल वसल्लम की ज़ात को निकाल के गुफ्तगू नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है. मैं जानता हूँ इस बात को, तो उसको छोड़ दीजिए, हम बात आगे बढ़ाते हैं. उधर से एक सवाल था. ना, जी जी आप
ہیلو جی سر شکریہ. حالانکہ آپ اس بات کو تسلیم کر سکتے ہیں لیکن میں اس تھوڑی سی بات کو آگے فلسفے کے لیے لے جانا چاہ رہی ہوں. جو بات آپ نے رومی کی بنیادی نقطے کی بات برابر کی ہے, آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کعبہ ٹوٹ جاتا تو مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا کہ ایک آدمی کے دل کے ٹوٹنے سے ہوتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رومی نے بذات خود فلسفیکلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ اپنی مثنوی کی ہے. شکریہ. ٹوٹا جو کعبہ کون سی یہ جائے غم ہے شیخ, واہ واہ, قصر دل نہیں کہ بنایا نہ جائے گا. قصر دل نہیں, یہی کہنا چاہ رہی ہوں. جی بالکل, بھائی کا فرمایا آپ نے. میں بنیادی طور پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا جس پہ کہ ہم لوگوں کی بالکل اور بنیاد. مولانا نے اپنی مثنوی میں بھی یہ کہا ہے جیسے وہ ہے کہ تو برائے وصل کردہ نام دی, نئے برائے نئے کرائے برائے فصل کردہ نام دی. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حسیز ہے, سل من قطع کا وہ افو من ظلم کا وہ احسن من اسا علیک, کہ جو تم سے راستے رشتے توڑے اس سے جوڑو, جو ظلم کرے اس پر احسان کرو, اور جو برائی کرے اسے معاف کر دو. جی 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 جی. کوئی سوال شاید ادھر سے تھا, ادھر جی جی. مائی کوشچن از ٹوڈے وائی دا ویسٹ از سو انامرڈ وتھ رومی مور دین دا ایسٹ, واٹ از دا ریزن دیٹ ہی از سو پاپولر, ہی از دی ہائیسٹ سیلنگ آتھر and it doesn't happen so much here, I need an answer to that. Thank you. Unko apni kamayegi ka ehsaas ho gaya hai. Dekhiye ek baat to ye hai ki I think that there is a need for some spirituality, you know, and it's a process of recovery, he offers that. Ek baat to ye zehen mein rahe ki unke yahan jo ek afaqiyat hai na, where he breaks down barriers of human societies and cultures, to ek bahut بہت وہ دس از ویری اٹریکٹیو فار دا ویسٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈائریکٹنیس ہے ان ہز پوئٹری دیٹ یو ول ناٹ فائنڈ ان ویسٹرن پوئٹری, بہت ڈائریکٹ بات ہے. اور جیسا کہ یہ بات بار بار کہی گئی کہ جو چیزیں تھنگس وچ آر کلوز ٹو اس, یو نو, بہت بہت قریب چیزیں, یو نو, کچن اینڈ منکیز اینڈ ڈونکیز اینڈ ہارسز اینڈ فیلڈس اینڈ ویٹ اینڈ رائس, آل آف دس ول فائنڈ ان رومی. اینڈ دین فرام دیٹ ہی ایکسٹریکٹس یونیورسل پرنسپلس اینڈ ریمارکیبل یونیورسل پرنسپل. تو اس طرح کی باتیں ہیں. ایک اسٹڈی ہے جو بی بی سی کی طرف سے ہوئی تھی, وہ موجود ہے ویب سائٹ پہ, آپ دیکھ لیجیے گا کہ وائی از رومی سچ اے ہاٹ سیلنگ آئٹم ان امیرکا. اور آپ کو بتاؤں کہ گروسری اسٹورس میں جہاں لوگ سبزی اور ہلدی خریدنے جاتے ہیں, وہاں باہر نکلتے وقت وہ کولمین باکس کا ترجمہ بھی خرید لیتے ہیں. اور کولمین باکس کا جو ترجمہ ہے سینشل رومی, اس کے پیچھے چکن کری کی ریسیپیز بھی ہیں. یس, بہت اس میں ریسیپیز بھی ہیں, تو ہاؤ ٹو میک چکن کری, فوڈ از ویری مچ پارٹ آف دیٹ. مسالہ اور اسپائس اور جوئے اور دا جوائے آف دا پیلٹ از ناٹ ویری فار فرام دا جوائے آف دا اسپرٹ. یہ ہے مزے کی بات. بس اب ایک آخری میں کہوں گا مولا, یہ محمد علی جوہر صاحب کا ہے, عشق خود بدعت و سرمائے صد بدعت ہے. یہ اس کے عشق خود بدعت و سرمائے صد بدعت ہے, رحم کر رحم کہ عاشق تیرا مجبور ہے آج. جی پرہیپس وی ول ٹیک ون مور کوسچن. جی ایک سوال. جی ہیلو, تھینک یو. وی کین ہیئر یو. تھینک یو ویری مچ فار دس. اس شارٹ کوسچن, رومی ہیڈ ٹو لائفز بیفور اینڈ آفٹر. جو ان کی پہلی زندگی کا وجود تھا, اس کی جو جورسپروڈنس کی ٹریننگ تھی, اکیڈیمکلی میں آئی ایم کیوریس کہ اس کا امپیکٹ ان کی پوئٹری پہ کن فارمز پہ آتا ہے. دیکھیے, یو نو, میں جواب دے دوں, آپ جواب دیں, آپ کو ترجیح. دیکھیے, بنیادی طور پر ریشنل تھنکنگ اور منطق سے ریلیٹڈ تھی نا ان کی پہلی ٹریننگ. یعنی جورسپروڈنس جو ہے وہ منطقی طور پر ہی ہو سکتی ہے نا, یوں کیا تو پھر یوں اور یوں تو پھر یوں. تو
वो एक ट्रेनिंग यकीनन इनके जहन में थी। और जैसे कि आप रूमी को अगर डेप्थ में जाकर पढ़ें तो जो उनके इश्क के बाद की भी चीज़ें लिखी हुई हैं तो वो रेशनैलिटी से बिल्कुल दूर नहीं है। उस मंतकी थिंकिंग जो है वो पूरी आपको मसनवी में भी नज़र आएगी। जी, एक बात ये कि जो तरबियत उनकी हुई मदारिस में उसका उनको बहुत फ़ायदा हुआ, एक तो क्योंकि अरबी पर मुकम्मल गिरफ्त उनकी, रवायत पर पूरी गिरफ्त उनकी, हदीस और कुरान पर मुकम्मल गिरफ्त उनसे, और न सिर्फ ये कि मुस्तनद हदीसें बल्कि हदीस कुदसी भी उनके यहाँ, ऐसी बातें जो मुस्तनद हदीसों में नहीं हैं जिसको हम हदीस कुदसी कहते हैं, जैसे कि अल्लाह जमील व यहब्बुल जमाल, अल्लाह हसीन है और हुस्न को पसंद करता है, ये हदीस कुदसी है, ये मुस्तनद हदीसों में नहीं, तो उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। और ये बात मैं अर्ज़ कर दूँ कि फ़िक़ी मसाइल भी उनके यहाँ, और फ़िक़ी मसाइल को वो शायराना अंदाज में वो बरतते रहते हैं, ये बहुत कमाल की बात। क़ज़ा व क़दर का मसला बहुत वजाहत के साथ है लेकिन इस खूबसूरती से कि महसूस नहीं होता कि इतना गंभीर मसला उन्होंने तय कर दिया। आप कुछ कहना चाहती? थोड़ा सा इसमें कहना चाहूँगी कि रूमी को रूमी बनाया उसके इस्तदलाली जो उसकी इल्म था उसने नहीं बनाया, रूमी को रूमी बनाने वाला जो है वो इश्क है। रूमी को रूमी बनाने वाला जो उस महद तक पहुंचाने वाला है, जो रमूज़ कायनात तक पहुंचता है, वो इश्क के ज़रिए वो पहुंचा है। अगर उसकी ज़िंदगी से आप दूसरा हिस्सा निकाल दें तो आपको ऐसे बहुत सारे जो है आलिम मिल जाएंगे उसके इस्लाम के अंदर भी और बाकी उसमें। रूमी की खूबी ये थी कि रूमी ने इश्क के ज़रिए, जिसको हम कहते हैं कि रुनूज़ कायनात को पाना, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में रैशनैलिटी ये कहती थी कि लाज ऑफ नेचर को समझना, वो इस्तदलाल के ज़रिए दूसरे तरीके से समझे जा सकते थे, लेकिन जब रक्स की बात आई, जब मूसीकी की बात आई, मिसाल के तौर पर जो इश्क वजूद के अंदर जो मूसीकियत पैदा करता है, एक दूसरी मूसीकियत एक वजूद के अंदर जो मूसीकियत पैदा करता है, और उस मूसीकियत से जब वो अपने स्पिन पर रक्स करता है तो वो कायनात के उस पूरे सिलसिले के साथ जुड़ता है। जो निज़ाम शमसी में आप देखेंगे कि सारे वो सियारे उसके गिर्द घूमते हैं, फिर आप माइक्रो उस यूनिवर्स में आए तो एक एटम के गिर्द जो है वो सारे जो है वो घूम रहे हैं, तो ये उसका जो रक्स में घूमना उसको कायनात के बड़े सिलसिले से भी मिलाता है और उसको 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 एक और तरह से समझाता है। लेकिन ये कम से कम मैं इस पे जो है कन्विंस्ड हूँ कि रूमी ने इस कायनात के राज को इश्क के जरिए हासिल किया है, अपने इस्तदलाली इल्म से हासिल नहीं किया। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये कोशिश अबस है कि अक्लियत को, रैशनैलिटी को ज़बरदस्ती नाफिस किया जाए, अगर नहीं है तो नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके यहाँ तो एक सरमस्ती है, तेरी मुश्किल मस्ती मेरी मुश्किल मस्तियो शोरो सुरूरो दर्दो दाग, मेरी मुश्किल मस्तियो शोरो सुरूरो दर्दो दाग, तेरी मुश्किल मैं से है सागर कि मैं सागर से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोग का।